नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिड जिम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। टाइटल में आप देख रहे होंगे पॉलिटिक्स रो क्या है, जो लाल चौक श्रीनगर से हो रही है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा आज एक दिन पहले यहां कल खत्म होने जा रही है, वहीं आज कांग्रेस पार्टी द्वारा लाल चौक श्रीनगर में फ्लैग होस्टिंग की गई, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया, उसके ऊपर जो है इस समय सियासत जोर शोर पे है। सियासत पे आऊं, जो इस समय भारतीय जोड़ो यात्रा को लेके हो रही है, मैं बताऊं कि लाल चौक में हमेशा चर्चा का विषय रहा है और दोनों का रोल जो है काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा। चाहे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच हो, शेख अब्दुल्ला की स्पीच हो, या इस समय भारतीय जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसकी फ्लैग होस्टिंग हो 1992 में, तब आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो वहां पे फ्लैग होस्टिंग की गई हो, ये हमेशा चर्चा का विषय रहा। वहीं आज जब कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी द्वारा वहां पे फ्लैग होस्टिंग की गई, इस चीज को जहां एक तरफा सोशल मीडिया पे सराहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर जो है वो कटाक्ष कस रही है कि अगर आज की डेट में अगर फ्लैग होस्टिंग पॉसिबल हो रखी है नेशनल फ्लैग की, तो उसका सारा का सारा श्रेय जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को वहां से धारा 370 हटा के एंटी नेशनल जितने भी एलिमेंट्स थे उनको नस्तानाबूद कर दिया। बहरहाल ये बड़ी अपडेट थी जो आप तक पहुंचानी थी। एक तरफ कांग्रेस वहां पे फ्लैग होस्टिंग कर रही है, वहीं इस बात का श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है और कांग्रेस को इस बात को बताने की कोशिश करिए कि 370 की वजह से दिक्कत थी तो कांग्रेस की वजह से थी, अगर आज की डेट में दिक्कत नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं है। क्या कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कैपिटलाइज कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल जो है आम जनता के समक्ष है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज मैं बताऊं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और जम्मू कश्मीर के 13वां दिग्गज लीडर रविंदर रैना ने इसके ऊपर जो है अपना वक्तव्य भी रखा। उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश भी की कि अगर फ्लैग होस्टिंग हो रही है, पॉसिबल हो रही है, तो सारा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। क्या कांग्रेस इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगी? सवाल फिर भी वही है। जरूर अपनी वैल्यू राय रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जिम बच्चों के साथ। मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद। Thank you.